गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था स्टोक्स थ्योरम। आज स्टोक्स थ्योरम को ही मैं आगे फर्दर कर रही हूँ, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। आज हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी इसमें क्या होता है, लाइक जैसे जब रेन ड्रॉप फॉल होती है तो वो काफी हाइट से आ रही है, जो रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आती है, तो अगर दूर से कोई भी चीज हम थ्रो करते हैं तो वो हमें काफी जोर से लगती है, लेकिन जब रेन ड्रॉप फॉल होती है वो तो अगेन काफी हाइट से आ रही है, लेकिन हमें उससे कोई चोट वगैरह नहीं लगती, हम हर्ट नहीं होते। वाई? उसका रीजन ये है कि जो भी हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास क्या है एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लगाते हैं, एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाते हैं। वो जो रेन ड्रॉप ऊपर से फॉल हो रही है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग रही है, जी उस पर भी एक्ट हो रहा है, उसका जो वेट है दैट इज अगेन एक्टिंग डाउनवर्ड्स। बट जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। और आप ये भी मान सकते हो कि वो जो रेन ड्रॉप फॉल हो रही है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। अगर वो स्फेरिकल शेप में है तो वहां पे स्टोक्स थ्योरम आपकी अप्लाई होगी, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स क्या होगी हमारे पास, दैट इज अवर विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी किसकी, जो फ्रिक्शन थी किसके बीच में, बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर्स, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो वो विस्कस फोर्स आगे किसके ऊपर डिपेंड करती है, 6 pi eta rv, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतनी विस्कस फोर्स ज्यादा, जितनी वेलोसिटी कम उतनी विस्कस फोर्स हमारे पास कम होती है। तो इसलिए जो वो रेन ड्रॉप है, चाहे उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट क्या लग रही है, एक अपोजिट फोर्स लग रही है, जिसके कारण जो रेन ड्रॉप फॉल होती है जब अर्थ के ऊपर वो ज्यादा जोर से नहीं होती और हमें हिट नहीं होता। क्लियर है? उसी बेस पे ये टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि जब वेट इक्वल हो जाता है आपका किसके, अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स के, तब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाती है, इट बिकम्स जीरो, नेट फोर्स जीरो हो जाती है। फोर्स आगे किसके इक्वल होती है, एम ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट। और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी टी से। क्लियर है? अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, ये डायग्राम से हम समझते हैं इसको। मान लो यहाँ पे क्या है, एक रेन ड्रॉप है, और ये रेन ड्रॉप में क्या एज्यूम करके चल रही हूँ, दैट इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो इसका जो वेट होगा रेन ड्रॉप का, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसके अपोजिट एक यहाँ पे क्या लगेगी, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट आगे किसके इक्वल होता है, एक तो लिक्विड की वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, के लिक्विड या फिर फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ। अपथ्रस्ट आपका होता है वी रो जी, रो क्या है यहाँ पे, जो डेंसिटी होगी लिक्विड की, जी क्या होती है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसके अपोजिट क्या लग रहा है, एक अपथ्रस्ट लग रहा है, और यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो क्या होगी, विस्कस फोर्स इसके इसमें जीरो होगी। क्यों, क्योंकि अभी रेन ड्रॉप फॉल नहीं हो रहा, विस्कस फोर्स क्योंकि किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 6 pi eta rv, क्योंकि अभी रेन ड्रॉप फॉल नहीं हुआ वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या है, विस्कस फोर्स भी जीरो है। तो यहाँ पे तो सिर्फ अपथ्रस्ट लग रहा है अपवर्ड की तरफ और आपके पास वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे ये रेन ड्रॉप फॉल हुई तो क्या होगा, यहाँ पे इसके पास वेट इसका अगेन एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और इसके ऊपर अब दो फोर्सेस लगेगी, एक तो इसके पास अपथ्रस्ट लगेगा, दूसरा इसके पास लगेगी विस्कस फोर्स, क्योंकि अब क्या है, इसकी वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हुई। लेकिन अभी भी क्या है, इस कंडीशन पे भी जो नेट वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इस कंडीशन पे।
अब अगेन मान लो जे रेनड्रॉप और नीचे आई, मान लो अब ये यहां पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे भी वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, यहाँ पे इसके अब थ्रस्ट लग रहा है, और एज वेल एज यहाँ पे क्या लग रही है, विस्कस फोर्स। मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास वेट इक्वल हो रहा है किसके, अब थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स के, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, इस केस में क्या होगा, मीन्स ये कहाँ पे आ गया, इट रीचेज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे विस्कस फोर्स क्यों हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। विस्कस फोर्स जीरो क्यों हुई, सॉरी विस्कस फोर्स नहीं, यहाँ पे जो नेट फोर्स है आपकी इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स अब जीरो हो जाएगी, डाउनवर्ड और अपवर्ड वाली फोर्स क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, तो नेट फोर्स जीरो है। इसका मीन क्या हुआ कि एक्सेलरेशन आपकी इस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपकी, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, और ये इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज वी टी। अब इसके लिए क्या है हमारे पास, डेरिवेशन है। डेरिवेशन में हम क्या एज्यूम करते हैं कि मान लो जो ये लिक्विड है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, ये आपके जो पास जो रेनड्रॉप है इसकी जो डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी ले लो दैट इज रो, और हमारे पास विस्कस फोर्स ये सब चीजें हैं। तो ये इस पॉइंट पे क्या हो गया, अब आपके पास वेट इक्वल हुआ अब थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स के। वेट क्या होता है आपके पास, डेंसिटी क्या होती है, मास इनटू में वॉल्यूम। वेट होता है आगे एम जी, कितना मास है इस स्फीयर का, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थ्रस्ट अभी मैं आपको बताया था, अब मैंने वी रो जी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, के कितना फ्लूड इसने डिस्प्लेस किया। रो क्या है हमारे पास, रो डेंसिटी है इस फ्लूड की जो ये लिक्विड है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विस्कस फोर्स क्या है 6 पाई ईटा आर वी। आगे आपके पास क्या होता है, मास क्या होता है, यहां से डेंसिटी क्या है, मास इनटू में वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, यहां से मास निकालना है आपको, मास किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, मास आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, दैट इज सिग्मा सॉरी ये क्या है, रो, रो इज इक्वल टू एम वी, एम किसके इक्वल हो जाएगा, रो अपॉन सॉरी मास इज इक्वल टू होता है आपके पास, सॉरी फॉर्मूला में गलत दिख गई, डेंसिटी होती है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास की हमें वैल्यू निकालनी है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वी, सॉरी ये वेट किसका लिया था मैंने, स्फेरिकल शेप का, स्फीयर का यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है ये, क्लियर है, दिस इज द सिग्मा, ये मास किसका है, इसका इसका वेट ले रहे हो आप जो एक्टेड हो रहा है डाउनवर्ड, तो इसका मास एम, आगे मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी कितनी है स्फीयर की, तो हमने सिग्मा ले रखी है, सो सिग्मा वी जी इज इक्वल टू वी रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर लेके आ रही हूं मैं, वी जी कॉमन, सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। नेक्स्ट स्टेप में वी जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, लैटिस को डिनोट कर दिया मैंने वी टी से। दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है आगे, स्फीयर है, इसको हम रेनड्रॉप को स्फीयर मान के चल रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। 3 नीचे आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पाई से पाई कैंसल, 1 आर से 1 आर कैंसल, तो क्या बचा, 2/9 R² जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर
टर्मिनल वेलोसिटी। अब समझ में आया कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास। दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है आपके पास, दैट इज बर्नोलियस थ्योरम। बर्नोलियस थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।